गुड इवनिंग एवरीवन, मेरे कविता का नाम है एक बिहारी सब पे भारी। वाह वाह। तो मैं अपनी कविता स्टार्ट करता हूँ। मैं बिहार का वासी हूँ, मेरा राज बिहार, जिसने किया है जीरो का आविष्कार। यह बुद्ध की धरती है, अशोक का है सम्मान, आज भी हमको होता है इन पे अभिमान। मैं बिहार का वासी हूँ, मेरा राज बिहार, यहाँ पर था चाणक्य सा शानी, यहाँ पे है जनक सा स्वाभिमान। बोध गया में स्थित है गौतम बुद्ध का इतिहास, आर्यभट्ट सा कृतज्ञ है बिहार, राजेंद्र प्रसाद सा राजतज्ञ है बिहार, अशोक स्तंभ की शेर की दहार है बिहार, गुरु गोविंद सा बलवान है बिहार, अपना वजूद लिए बरकरार है बिहार, गणतंत्र का पहला प्रहार है बिहार, दिनकर सा कवि है बिहार, बुद्ध की पावन छवि है बिहार, छठ सा धार्मिक है बिहार, अपना वजूद लिए बरकरार है बिहार, लोक नायक सा भक्त है बिहार, प्रथम राष्ट्रपति से प्रसिद्ध है बिहार, मगध सा साम्राज्य है बिहार, हिंद के सर का ताज है बिहार, वैशाली सा इतिहास है बिहार, जिसने किया विश्व में जीरो का आविष्कार, कोशी की विनाश लीला है बिहार, बोध गया में स्थित है गौतम बुद्ध का इतिहास, अपने देश के शान है बिहार, गांधी के सत्याग्रह का भारत में पहला प्रहार है बिहार, अपने दांतों से 165 किलो वजन उठाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है बिहार, गणतंत्र का पहला प्रहार है बिहार, हर साल सबसे अधिक दूसरे स्थान पर जिला अधिकारी देने वाला राज्य है बिहार, गणतंत्र का पहला प्रहार है बिहार, लोक नायक सा भक्त है बिहार, अपना वजूद लिए बरकरार है बिहार, गुरु गोविंद सा बलवान है बिहार, अपने राष्ट्र के सर का ताज है बिहार, इसलिए एक कहावत कही जाती है एक बिहारी सब पे भारी। थैंक यू। बहुत अच्छा लिखा भाई, क्लैप करने वाला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लिखा आपने। लिखा तो अच्छा है। आपने सारे इतिहास के जितने भी दिग्गज लोग हैं सभी को कवर किया आपने, अशोक को लिया, आपने आर्यभट्ट को लिया और आपने बुद्ध को लिया। बुद्ध की धरती भी है बिहार, बोध गया है वहाँ पे शेरशाह सूरी है, तो सबको आपने कवर किया, बहुत बढ़िया लिखा आपने। जो सोचा नहीं था वैसा लिख दिया आपने। थैंक यू सो, जबरदस्त। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कामरान।